हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 5 नंबर का आता है। तो आप सभी को अगर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं आता तो आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ट्रिक और टिप्स के माध्यम से बताएंगे कि आप लोग किसी भी प्रकार के हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन को मात्र चुटकियों में करना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम आपको कुछ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बताएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में वही आएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम आपको कुछ ट्रिक और टिप्स भी बताएंगे। जैसे आपको ट्रांसलेट करते समय, ठीक है, कोई भी वर्ड ऐसा आ जाता है जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता होती, तो आप लोग उसकी मीनिंग के प्लेस पे अपने बोर्ड एग्जाम में क्या लिखेंगे कि टीचर देखते ही खुश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको वो भी ट्रिक और टिप्स बताने वाले। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा इंपॉर्टेंट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो दिया हुआ, आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। ठीक है, यानी कि आशा के बिना क्या मानव जीवन असंभव। ये आप सभी स्टूडेंट पर भी ये नियम लागू होता है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि अपने बिना आशा के इसी तरह जीवन क्या करते हैं, चालू कर देते। तो आप सभी स्टूडेंट के अंदर यानी कि एक टारगेट, एक गोल होना चाहिए, तभी आप लोग जीवन जो आप सभी का वो संभव हो जाएगा, अदरवाइज असंभव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला लाइन तो ये हुआ। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन की, यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे विद्यार्थी साल भर कड़ी परिश्रम करते हैं केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे। एक किसान घोर उष्णता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता। इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो। ठीक है, और फिर उसके बाद, तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुष ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है। तो ये रहा, इतना बड़ा आपको करना होगा अपने बोर्ड एग्जाम में ट्रांसलेट। ठीक है, ये हिंदी दिया है, इसका आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो इतना ही बड़ा आता है क्योंकि आप लोग क्लास ट्वेल्थ में पढ़ते हो, इसलिए आप सभी को इतना ही बड़ा करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको करने के लिए आपको सबसे पहले ग्रामर का रूल याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको पहचानने होंगे कि ये कौन से टेंस है, तभी आप लोग इसको बना पाएंगे। और जब भी टीचर आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट को देखेगा तो वो सिर्फ ग्रामर का रूल देखेगा। ठीक है, यानी आप लोग ग्रामर का यूज़ कैसे किए, सही ढंग से किए हैं, ग्रामर का यूज़ किए हैं या नहीं किए हैं, तो यही सिर्फ टीचर देखकर, अगर ये आपका ग्रामर का रूल इसमें सही रहेगा तो आपको टीचर 5 नंबर पूरा देकर जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि ये कौन सा टेंस है, तभी आप लोग इसमें ग्रामर का यूज़ करेंगे। तो पहला जो दिया हुआ है वो है कि आशा के बिना मानव जीवन असंभव है। अब देखिए, इसका किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, हो जाएगा आशा के बिना, यानी कि आशा मीन्स होते होप। ठीक है, बिना यानी विदाउट, तो यहाँ पे हो जाएगा विदाउट होप। विदाउट होप, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम कामा लगाएंगे। अब इसके बाद हम देखिए, मानव जीवन असंभव है, इसका बनाएंगे। तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, यानी कि यहाँ पे है लगा, तो इसमें इज का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमन लाइफ, लाइफ इज इम्पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हो जाएगा ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मीन्स क्या होते हैं, असंभव होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विदाउट होप कमा ह्यूमन लाइफ इज इम्पॉसिबल। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पे, यदि आशा न होती तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। अब यहाँ पे देखिए, यदि आशा न होती, यहाँ तक तो जो टेंस है वो पास्ट टेंस है। फिर उसके बाद, तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो बात है वो पास्ट में है। ठीक है, यानी कि जो टेंस है वो पास्ट में है, लेकिन यहाँ पे दुखमय हो जाता यानी फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, इसलिए इसमें यानी कि पास्ट के साथ साथ फ्यूचर का भी यूज होगा। किस तरीके से, अब यहाँ पर आप लोग देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले यदि, यदि की जो होगी वो होता है इफ।
ठीक है। यदि मीन्स इफ, तो यहाँ पे हो जाएगा इफ आशा न होती, यानी होप वाज नॉट, तो यहाँ पे इफ होप वाज नॉट डियर, ठीक है। यदि आशा न होती यहाँ पे तो के लिए अब यहाँ पे देखिए हम कावा लगाएंगे, और कहीं कहीं देन का यूज होता है, तो यहाँ पे हम क्या किए कावा को लगा दिए। तो यहाँ पे तो मनुष्य का जीवन बड़ा बोझिल और दुखमय हो जाता, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइफ लाइफ ऑफ ह्यूमन ह्यूमन। अब देखिए यहाँ पे उड का यूज होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने देखिए वुड का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमने आपको बताया कि ये टेंस तो किस में है, पास्ट में है, लेकिन जो बात कही है यानी कि दुखमय हो जाता फ्यूचर की बात कही है, इसलिए यहाँ पे बिल के साथ क्या लगेगा, यानी कि बिल को हमने पास्ट में चेंज किया, तो बिल का पास्ट वुड होता है, तो यहाँ पे वुड। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे दुखमय हो जाता, यानी हो जाना का मतलब होता है बीकम, तो यहाँ पे देखिए वीकम, फिर उसके बाद बोझिल, ठीक है। बोझिल का मतलब हो गया यहाँ पे बर्डेंसम, क्या हो गया बर्डेंसम हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा बर्डेंसम। अब देखिए जैसे आपको बोझिल का जो मीनिंग है वो नहीं याद है, ठीक है, कि बोझिल की इंग्लिश क्या होती है बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग क्या कीजिए, जैसे ये बोझिल लिखा हुआ है ना, आप लोग इसी का इंग्लिश बर्डेंसन की जगह पे लिख दीजिए, ठीक है। टीचर आपको कभी भी नंबर नहीं काटेगा, और बल्कि खुश होकर आपको अच्छा नंबर देगा, क्योंकि वहाँ पे वो आपके टैलेंटता को देखेगा कि स्टूडेंट को अगर इसकी मीनिंग नहीं याद है तो वो वही लिख दिया है, और वो भी इंग्लिश में लिखा है, उसको छोड़ा नहीं है, तो इसलिए आपको टीचर खुश होकर 5 नंबर पूरा का पूरा देगा। अब देखिए इसके बाद देखिए इसी में है और दुखमय हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए दुखमय मीन्स हो गया कि सौरो, ठीक है, यानी कि एंड और एंड फील्ड फील्ड विथ सौरो। अब हम यहाँ पे देखिए फील्ड विथ सौरो जो है ये आपके ग्रामर का एक है, ठीक है, ग्रामर का एक क्या रूल है, जैसे यहाँ पे फील्ड विथ सौरो यानी दुख से भरा हुआ, ठीक है, दुख से भरा हुआ मीन्स दुखमय, तो यही हो गया। तो ये हो गया क्या, इफ होप वाज नॉट दियर लाइफ ऑफ ह्यूमन वुड बिकम वेरी बर्डेंसम एंड फील्ड विथ सॉरो, ओके। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब इसी में देखेंगे कि विद्यार्थी साल भर कड़ी परिश्रम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए कहा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए विद्यार्थी साल भर कड़ी परिश्रम करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी परिश्रम का जो होता है हार्ड वर्क होता है, क्या होता है हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम या कड़ी परिश्रम, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी साल भर कड़ी परिश्रम करते हैं, स्टूडेंट्स वर्क हार्ड फॉर द फुल ईयर, यानी कि पूरे साल, ठीक है, फुल ईयर, इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे, इसी में नेक्स्ट है केवल इसी आशा पर कि वे सफलता का मुख देखेंगे, तो ये क्या हो गया फ्यूचर टेंस हो गया देखेंगे, तो यहाँ पे क्या क्या, यहाँ पे केवल इसी आशा पर यानी कि ओनली विथ द होप Only with the hope, केवल इसी आशा पर only with the hope कि, ठीक है, कि means that, कि वे सफलता का मुख देखेंगे, तो यहाँ पे that वे means होते हैं दे, ठीक है, इस पे स्पेलिंग क्या होती है दे विथ टेस्ट सक्सेस, यानी वो सफलता का मुंह देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से।
अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक किसान घोर उसड़ता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं करता है। अब यहाँ पे देखिए नहीं करता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के साथ अगर नहीं दिया हो यानी कि नाट का यूज़ हो तो वो डज नाट और डू नाट का यूज़ होता है, ठीक है। एक वचनकर्ता के साथ डज नाट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नाट का यूज़ होता है। तो यहाँ पे ए फार्मर दिया हो तो इसके साथ डज का यूज़ होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए फार्मर। ये फार्मर डज नाट, ठीक है, ए फार्मर डज नाट। अब यहाँ पे किसान घोर उसड़ता और शीत का तनिक भी ध्यान नहीं देता, यानी तनिक भी ध्यान न देना का हो जाएगा एट ऑल बदर, यानी तनिक भी ध्यान न देना। वदर अबाउट हीट एंड कोल्ड, हीट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या हो गया कि उसड़ता और शीत, ठीक है, हीट एंड कोल्ड। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन लगाते हैं। तो इसी प्रकार का जो अर्थ हो गया वो सिमिलरली हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा सिमिलरली। तो यहाँ पे हो जाएगा सिमिलरली, फिर उसके बाद कहा। अब यहाँ पे देखिए जो व्यापारी होते हैं, व्यापारी को क्या करते हैं, ट्रेडर्स कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया ट्रेडर्स, इन्वेस्ट यानी कि धन को खर्च करना या धन को लगाना, इन्वेस्ट मनी, मनी इन ट्रेंडिंग, इन ट्रेंडिंग विथ, यानी कि क्या करते हैं, इसी प्रकार व्यापारी लोग व्यापार में धन को क्या करते हैं, लगाते हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग बीट यानी धन को व्यापार में लगाते हैं। अब इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट है कि केवल इसी आशा का आश्रय लेकर ताकि उनका व्यापार उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो, ठीक है, केवल इसी आशा का आश्रय लेकर। तो हो जाएगा द होप दैट दैट ट्रेंडिंग विल, ठीक है, विल बी प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल फॉर देम, यानी केवल इसी आशा का आश्रय लेकर, ठीक है, केवल इसी आशा का आश्रय लेकर ताकि उनका व्यापार उनके लिए क्या हो, प्रॉफिटेबल यानी लाभकारी सिद्ध हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट है इसी में, वो है कि तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुषों ने आशा को मानव रूपी जहाज का संबल कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तभी तो का जो मतलब हो जाएगा स्पेलिंग वो होता है दैट इज़ वाई, That is why the intelligent means बुद्धिमान लोग, ठीक है, the intelligent and यानी कि बुद्धिमान लोग और तथा महापुरुष, ठीक है, तो महापुरुष को यहाँ पे great man have called, ठीक है, यानी कहा जाता है called hope the symbol symbol of man's ship, यानी कि मानव रूपी जहाज man's ship, ठीक है। फिर उसके बाद on His journey through life, ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो गया कि तभी तो बुद्धिमान तथा महापुरुष ने आशा को मानव रूपी जहाज का एक क्या कहा, संबल कहा। तो ये हो गए हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसी तरह आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो आपको 5 नंबर पूरा टोटल मिलेगा, ठीक है। और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश की चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। जितने ही व्यूज़ आएंगे उतने अच्छे अच्छे आपको इंग्लिश के ट्रिक और टिप्स की वीडियो मिलते रहेंगे। और आपको अगर इंग्लिश पढ़ने लिखना नहीं आता और आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में पास होना चाहते तो इस तरह के ट्रिक भी हमारे चैनल पर अपलोड है, इंग्लिश में पास होने की ट्रिक, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।